सब्सक्राइब करें ड्रीम बिग क्रिप्टोनामा पर और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत सही से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपने ईकोइन वेबसाइट को लिंक करना है वोमेट वॉलेट के साथ। जी हाँ, ये तमाम जो प्रोसेस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर उससे पहले आप मेरे चैनल बने हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी दबाएँ ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ईकोइन की वेबसाइट पर आना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अपना वोमेट वॉलेट के साथ लिंक कर दिया हुआ है और ये वॉलेट आईडी भी आपको शो हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपके पास ये कहा जाएगा कि या तो आप गेट वोमेट वॉलेट कर लें और गेट प्रॉफिट वॉलेट। तो हमने क्योंकि वोमेट वॉलेट करना है तो आपने वोमेट वॉलेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तो एक ऑप्शन होगा कि आप गूगल प्ले स्टोर से कर लें, यानी कि आप मोबाइल से इसको अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मोबाइल से इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है, अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको गूगल क्रोम से यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको बेहतर लगे आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको जो पीसी वाला तरीका है उसको गाइड कर देता हूँ। तो आपने अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। तो ऐड टू क्रोम करने से आप देख रहे हैं ऐड एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है। तो ये चेकिंग हो रहा है, थोड़ी देर में ये अटैच हो जाता है। तो आगे मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप जो वॉलेट है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये तरीका बताता हूँ तो दूसरा भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखें, ये जो वोमेट यूएस वॉलेट है वो अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने आगे किस तरह इसको प्रोसेस करना है। तो ये इसको मैं रीलोड दोबारा करता हूँ। तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आप साइन इन विद गूगल करें, साइन इन विद फेसबुक करें, साइन इन विद ट्विटर करें। तो आपने साइन इन विद गूगल पर क्लिक करना है। तो ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको एंटर करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने पासवर्ड देना है, जो भी आपका गूगल का पासवर्ड है, यानी गूगल जो आप यूज़ कर रहे हैं जीमेल के लिए। तो जो ऑप्शन होगा वो आपने, जो पासवर्ड होगा वो आपने पुट करना है। पुट करने के बाद आप जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो उसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने साइन इन करना है। जो तीन ऑप्शन है इसको आपने तीनों में से एक को यूज़ करना है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप गूगल से उसको साइन इन करें। तो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। तो दोस्तों, गूगल में साइन इन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा ऐड ईओएस अकाउंट, यानी आपने यहाँ पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, एक गूगल ड्राइव होगा, एक ड्रॉप बॉक्स होगा। तो आपने गूगल ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, चूज़ एन अकाउंट करना है। तो जो भी आपका जो गूगल का यानी कि जो अकाउंट है, जो जीमेल है, वो आपने सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना है जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो वो सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कहेगा कि ग्रांट वोमेट परमिशन, तो आपने अलाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। अलाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगी कंफर्म योर चॉइसेस। तो आपने जो भी चॉइस है, यानी जो भी आप गूगल का जो एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, कुछ के दो तीन भी होते हैं, तो जो आपने यूज़ कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसको आपने चूज़ कर लेना है और उस पर क्लिक कर देना है और अलाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अलाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने एक पास फ्रेज आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कुछ कम से कम आठ लफ्ज़ों का। ये वो एक तरह का पासवर्ड है जो कि आपके सीक्रेट पासवर्ड है, जो कि आपके वोमेट वॉलेट को सिक्योर करेगा। तो ये आपने यहाँ पर आठ लफ्ज़ों का, आठ करेक्टर्स का एक पासवर्ड या पास फ्रेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कंफर्म के बटन पर
क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने एक ये अहम चीज़ है, यहाँ पर आपने एक नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका टाइटल होगा ईओएस वॉलेट का वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कोई भी आप अपना नाम रख लें, और यही नाम जो होगा, ये समझने की बात है, ये जो नाम होगा तो ये आपने जो आपका जो ईकॉइन जो वेबसाइट है वहाँ पर, मैं आपको भी बताऊँगा कि ये जो नाम होगा वो आपने वहाँ पर आईडी के तौर पर ऐड करके लिंक करना है। तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये नाम आपने लाजमी रखना है, और इसके बाद आपने चूज़ के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक मैसेज आएगा कि कंग्रेचुलेशन, वॉम्बेट इज़ रेडी टू यूज़ इन द एक्सटेंशन मेन्यू ऑन द अपर राइट ऑफ योर ब्राउज विंडो। तो आपका जो वॉलेट होगा वो रेडी हो जाएगा, यानी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह का ये आपको आपका जो वॉम्बेट वॉलेट है, इस तरह का जो डिस्प्ले है वो शो करेगा। और ये जो नाम है बता रहा था, जो आपने नाम जो सेलेक्ट किया था, जो नाम रखा था अपने वॉलेट का, तो ये नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो नाम है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको मैं बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं, जैसे ये टेक क्लिनिक 55, तो उसी तरह ये वाला जो नाम होगा, ये जो आपने यहाँ पर रखा था ये वाला, तो ये आपने अपने ईओएस वेबसाइट पर यहाँ पर वॉलेट आईडी में कॉपी करके, या आपको अगर याद है तो आपने यहाँ पर लिख देना है और क्रॉस चेक कर लेना है कि आया यही नाम है। और उसके बाद आपने लिंक के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लिंक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलेट होगा वो लिंक्ड हो जाएगा। ये मैसेज भी आएगा, और यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है, योर करंट वॉलेट बैलेंस इज़ 0, गेट 1000 मोर ईकॉइंस बिफोर 30th March एंड अर्न 1000 ईकॉइंस एक्स्ट्रा। यानी फ्री में आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने जो आपने वॉलेट जो आपने इंस्टॉल किया है, जो आपने वॉलेट अपना चूज़ किया है, तो वहाँ पर आप 1000 जो ई कॉइन है वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको लिंक करें और उसके बाद 1 अप्रैल या 1 अप्रैल का वेट करें, तो देखें क्या होता है। क्योंकि 1 अप्रैल को ही पता लगेगा कि आपने आपको जो आपके कॉइन है वो रिसीव होते हैं नहीं होते, या उसके बाद भी कोई टाइम है जो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये तमाम जो टाइम है ये हमें देखना पड़ेगा कि 1 अप्रैल को क्या होता है। तो अभी सिर्फ आपने अपना जो वॉलेट है उसको लिंक किया है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला आ रहा है। तो बहरहाल जो भी प्रोसेस है वो सिंपली मैंने बता दिया है, फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।